खबर जयपुर के पावटा से है, जहां करीब दो दर्जन अज्ञात बदमाशों ने सब्जी व्यापारी के साथ मारपीट कर दी है और सब्जियों को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। इस घटना की सूचना पर सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए पुलिस प्रशासन से बदमाशों को पकड़ने की मांग की है और साथ ही घटना के विरोध में पावटा के मुख्य बाजार को बंद रखा गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता आशीष गोयल पावटा से फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी आशीष, बताएं क्या कुछ है पूरा मामला और कब तक ये बंद करा गया है? दो दर्जन से अधिक लोगों ने सब्जी व्यापारी के साथ मारपीट कर उनका सामान सड़क पर फेंक दिया, जिससे लोग आक्रोशित होकर प्रागपुरा थाना पहुंचे और वहां मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए सुबह 7 बजे तक का टाइम दिया था कि हम इस पे कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन 10 बजे तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण लोगों ने पावटा का बाजार बंद करवा कर और धरने पर बैठ गए। सभी प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे और सभी सामाजिक संगठन और व्यापारिक संगठन एक जगह धरने पर बैठे हैं। पूर्व विधायक भाजपा के फूलचंद बिंडा सहित अनेक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस मामले को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की मांग की और लोगों ने चेतावनी भी दी है कि जब तक इस मामले पे पूरी तरह से कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक ये धरना चालू रहेगा। जी आशीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से पावटा से खबर बता रहे, जहां बदमाशों को पकड़ने की मांग को लेकर बाजार बंद रखा गया है।